पे से भी, इसको लिखो सोडे बीडे से भी सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ए आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, बी डे से भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो लेट कैपिटल एक्स, तो मुझे एक्स ट्रांसपोज निकालना है, तो बी डे से भी का ट्रांसपोज इसको मैं एक्स एक टर्म मानू, तो ये होगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी। ये ट्रांसपोज ही एक ही बात है दोनों, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी। ये आ गया भाई आपका एक्स ट्रांसपोज। ए केस फर्स्ट, इफ ए इज सिमेट्रिक देन ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा, तो आपका एक्स ट्रांसपोज हो गया बी ट्रांसपोज ए बी जो कि एक्स के इक्वल आ रहा है। सो देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब सिमेट्रिक है, जब ए सिमेट्रिक। केस सेकंड, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ गया। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ गया, तो एक्स ट्रांसपोज आ गया आपका बी ट्रांसपोज माइनस ए इंटू बी, तो माइनस बाहर आ गया, तो एक्स ट्रांसपोज माइनस एक्स के इक्वल आ गया। सो देयरफॉर एक्स इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस ये प्रूव करना था। तो ये हमारा मैट्रिक्स का पार्ट कंप्लीट हो गया। वैसे एक और क्वेश्चन है, फिर कल से डिटरमिनेंट कल से कर देंगे, एक क्वेश्चन और करवा देंगे ताकि काम ही खत्म हो जाए। प्रॉपर्टी बता देंगे। चलिए आज का लास्ट प्रॉब्लम,
इफ एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कोस एक्स जीरो 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 वन। तो हमें ये प्रूव करना है एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन। दिस वी हैव टू प्रूव एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस। देखो एफ एक्स आपके पास है कोस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कोस एक्स जीरो 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 वन, और एफ वाई हमारा हो जाएगा हर एक्स की जगह वाई लिख देंगे तो कोस वाई माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई कोस वाई जीरो 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 वन। अब हमें एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना, कोस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कोस एक्स जीरो 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 वन मल्टीप्लाइड बाई कोस वाई माइनस साइन वाई जीरो साइन वाई कोस वाई जीरो 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 वन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई जीरो, फिर इधर आ रहा है माइनस कोस एक्स साइन वाई और माइनस साइन एक्स कोस वाई जीरो, और ये आ रहा है जीरो। इधर आ रहा है साइन एक्स कोस वाई द कोस एक्स साइन वाई जीरो, इधर आ रहा है माइनस साइन एक्स साइन वाई द कोस एक्स कोस वाई, ये आ रहा है जीरो ये जीरो ये जीरो और ये आ रहा है वन। तो हम क्या देख रहे हैं ये फॉर्मूला बन गया कोस एक्स प्लस वाई का। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई आ रहा है या आ गया आपका कोस एक्स प्लस वाई, यहां से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई ये आ रहा है जीरो, फिर यहां पर आ रहा है आपका कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वाई ये आ रहा है कोस एक्स प्लस वाई ये आ रहा है जीरो 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 वन। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वैल्यू आपकी हर एक्स की जगह क्या आ रहा है एक्स प्लस वन। सो एफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई ये वैल्यू आ गई। अब कल से अपन डिटरमिनेंट स्टार्ट कर दीजिए।